Welcome to TwoCircles.net. We have with us today Mr. Abdul Jabbar. He's a veteran civil rights activist from Bhopal. Since past three decades, he has been fighting for justice for Bhopal gas victims. Jabbar sahab, ab ek teen dahe mukammil ho chuke hain, wo hadsa hue. Ab tak aap insaaf ke liye ladai lad rahe hain, to aapko kya aisi quwwat hai ki aapko aage badhne ki justaju deti hai is cheez mein? Darasal रोटी की जो तड़प है, उसकी जो शिद्दत है, वो उसको ज़्यादा एहसास होता है जो इसको रोटी ना मिली हो, पहले वो भूखा रह चुका हो। जाहिर है कि हम जैसे लोग जो खुद भी गैस मुतासिर हैं और पिछले तीन दशक से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारा फेफड़ा और आंखें काम नहीं करती हैं, तो हमको ज़्यादा एहसास होता है और लोगों से अलग हटकर हमारा एहसास है, और वो एहसास है तकलीफ का। हमारे माँ इसमें गुजर गई, हमारे बड़े भाई 2 साल बड़े थे हमसे, वो गुज़र गए, हमारे फादर गुज़र गए, तो ज़्यादा एहसास होता है हमको इन तमाम तकलीफ़ों का। तो और एनजीओज जो फॉरेन मीडिया में काम करते हैं, उससे हम लोग अपने आप को कुछ अलग पाते हैं और हमारी शिद्दत या हमारी तकलीफ उनसे कुछ अलग। कोई भोपाल गैस ट्रेजेडी आपके लिए भी एक पर्सनल ट्रेजेडी भी थी आपकी फैमिली में? जाहिर है, बहुत पर्सनल थी। और 3 दिसंबर जब आता है तो बाकी लोगों को तो लगता होगा कि कोई खुशी का ये आ रहा है जैसे दिवाली या ईद, वैसे देखते हैं कि फॉरेन मीडिया और बहुत सारा मीडिया भी यहाँ पर आता है, ये जाहिर है कि हम जैसे लोगों को तकलीफ का एहसास और ज़्यादा। आप जैसे बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा हल्ला उल्ला हो जाता है 3 दिसंबर के दिन, वैसे एक एनिवर्सरी के तौर पे बनाया जाता है, मगर आप जो 3 दिनों से आप लगातार कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, मुख्तलिफ आपने प्रोटेस्ट वगैरह किए, तो आपको क्या लगता है एनिवर्सरी से हटकर भी रेगुलर फोरम पे भी अभी तक आगे बढ़ना चाहिए था, उस तरह से नहीं बढ़ा पाए काफ़ी सारे लोग? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस ताकतवर ढंग से सरकार को साथ देना था और सरकार को जैसे सपोर्ट करना था पूरे इशू को, न सिर्फ मुझे बल्कि जो 35,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जो 4 लाख से ज़्यादा लोग परमानेंट इंजर्ड हैं, इन सब की तकलीफ को जैसे लेना था उनको, उन्होंने लिया नहीं, इसका बहुत ज़्यादा एहसास हमको रहता है। और तो और हमको ये एहसास रहता है कि अब तक प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं हुआ, अब तक प्रॉपर कंपनसेशन नहीं हुआ, प्रॉपर क्लीन अप नहीं हुआ, किसी को पनिशमेंट नहीं हुई। कुल मिलाकर हमारी सरकारें ये मैसेज देना चाहती है विदेशी सरकारों को कि देखिए, आप आइए, हमारे इन्वेस्ट कीजिए, अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कीजिए, और भोपाल इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, उसका हमने किसी व्यक्ति का कुछ नहीं किया, उसको पैसे से कुछ नहीं हुआ, उसमें जो है क्रिमिनल केस में कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर वो ये एहसास कराना चाहते हैं कि यहाँ रेड कारपेट आपके लिए बिछा है और यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। और मोदी सरकार तो उसमें सबसे आगे जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने रेलवे को लेकर कहा, वो बताता है कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को लेते हैं। इवन अभी लास्ट जो US विजिट हुआ, उस विजिट में कहीं इस एजेंडे में शामिल नहीं था भोपाल गैस विक्टिम, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन USA और वॉरेन एंडरसन जो उन्हीं की कंट्री में था, कहीं भी शामिल नहीं था। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि उनकी नॉलेज में था एंडरसन की 25 सितंबर को डेथ हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने उसको कहीं भी रिलीज नहीं किया। सर, जैसा आप बता रहे थे, आप भोपाल गैस ट्रेजेडी आपके लिए पर्सनल ट्रेजेडी है, तो उस वक्त 3 दिसंबर का थोड़ा सा हाल बतलाइए कि उस वक्त किस तरह का माहौल था, किस तरह का आलम था? आलम ये था कि लोग अपना जीवन बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, और हम लोग भी भागे और करीब 40 किलोमीटर दूर गए अब्दुल्लागंज के पास,
तो बहुत साफ है कि आलम तो ये था कि लोग अपना जीवन बचाना चाहते थे, बहुत मुश्किल हो रहा था कि आप अपने बच्चे को साथ लेकर भागे, बहुत मुश्किल हो रहा था कि बच्चा अपने माँ बाप को साथ लेकर भागे। कुल मिलाकर ठंड और शिद्दत की ठंड, और उस ठंड के अंदर पूरी कोशिश ये कि हम अपना जीवन बचाएं, और अगले दिन सुबह भी एक कमोबेश स्थिति। आपने डिसाइड कब किया कि मैं इनके हक के लिए लड़ूंगा? दरअसल जो बेइंसाफी आसपास हमने देखी और उससे लगा कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमने इसको शुरुआत किया। कुल मिलाकर अपने मोहल्ले में जो बहुत सारी मौतें हुई थी वहीं से शुरुआत की, और आसपास जो लगातार हम देख रहे थे समझ रहे थे, 28 साल का था मैं, तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यूनियन कार्बाइड से चंदा अंदर लेते थे या उनको ओबलाइज करता था कार्बाइड फैक्ट्री, वो तो सामने नहीं आई। तो जाहिर है हम जैसे लोगों को लड़ना पड़ा, और मैं समझता हूँ कि अब तक जो हमने प्रदर्शन किए हैं वो 600 के आसपास हो गए। 600 प्रदर्शन अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है, 12 मेडिकल पिटीशन अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। सर अभी जो जिन लोगों का आपने जो कहा इतना 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 लंबा आपने प्रोटेस्ट चलाया, उसका आपको एंड रिजल्ट क्या लगता है? नहीं पाया। देखिए जो रिजल्ट आया मीन्स कंपनसेशन जो भी मिला और जो भी मेडिकल केयर चल रही है, अगर हम लोग नहीं होते तो शायद ये भी जीरो होता। कहीं कुछ नाम लेने वाला होते नहीं, ऐसी स्थिति बनती। कम से कम हम लोगों ने ऐसी स्थिति तो बनाई कि हम लोग भोपाल को आज 30 साल बाद भी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पब्लिक माइंड में एक चीज बनी हुई है। सर थोड़ा सा टाइमलाइन बतलाइए, आपने जिस तरह से आपने बताया कि आपने 16 मेडिकल पिटीशन डाली, तो कंपनसेशन के लिए आपने फाइट किया, तो तीन दौ में सारा किस तरह से माहौल बनता रहा, आपको किस तरह की तकलीफें आती रहीं और आप किस तरह से मुकाबला करते रहे? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो पूरी परिस्थितियाँ हैं, पहले तो 2-3 साल हम लोगों ने वही चलाया कि लोगों को जॉब मिले, रोजगार मिले, तो जो भी उनकी रिड्यूस वर्किंग कैपेसिटी थी उसके मुताबिक काम में हम लोगों ने पहले ही नारा दिया, जब यहाँ अनाज वगैरह बढ़ रहा था, दूध वगैरह 200 ग्राम देते थे पर डे, तो हमने कहा खैरात नहीं रोज़गार चाहिए, जैसा कि आज भी हम कह रहे हैं। तो वहाँ से शुरू करके वो सब रिहेबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट करके 2300 लोगों को काम दिया, था अब तक सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट में हमने गुजारा भत्ता जो हमने लोकल नाम दिया सस्टेंस अलाउंस का, गुजारा भत्ता हमने नाम दिया, और गुजारे भत्ते के नाम से हमने पूरा मुकदमा चलाया, और 1990 में 13 मार्च 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने पहला ऑर्डर किया, फिर 1989 में एक ऑर्डर हुआ, फिर हमने भोपाल सेटलमेंट को जो 14-15 फरवरी 1989 को हुआ था उसको चैलेंज किया, फिर हमने जो है और मुकदमे लड़े, इस तरह से 12-13 PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की, हाई कोर्ट में की, अभी भी 2 मैटर हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, एक मैटर हमारा मेडिकल पिटीशन वाला हाई कोर्ट में चल रहा है, 2 केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें पनिश 2 कार्बाइड ऑफिशियल्स। तो कुल मिलाकर लोगों को जोड़े रखना, हर सनीचर को हर मीटिंग करना, यादगार शाहजानी पार्क में हज़ारों लोगों का आना, मौके दर मौके जुलूस निकालते रहना, यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप ये देखिए कि 86 से अब तक कई हज़ार मीटिंग्स हो गई होंगे यादगार शाहजानी पार्क में, न सिर्फ हमने उस इशू पर बल्कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो यहाँ राइट्स हुए उस इशू पर,
उसके कंटामिनेशन को लेकर और कार्बाइड कंटामिनेशन को लेकर उस इशू पर अलग अलग इशू पर हम लगातार करते हैं। इस दरमियान आपको कुछ थ्रेट्स वगैरह मिलते रहे, मतलब आपने जैसे बताया कि इन्फ्लुएंशियल लॉबी थी यूनियन कार्बाइड की, पॉलिटिशियंस को उनसे फंड्स मिला करता था, तो आपको उस दरमियान कुछ मुश्किल जाहिर है कि बदनाम तो करने की कोशिश की जाती रही, लगातार कोशिश की जाती रही। सरकार ने हमारे खिलाफ बहुत सारे 12-13 केसेस बनाए, केसेस अभी भी चल रहे हैं कई केसेस। ये अलग बात है कि उसमें भी हमने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया सरकार के साथ, कुल मिलाकर वो भी एक पहलू रहा। तो इसके अलावा आपने जैसे बताया कि कंटामिनेशन भी एक इशू है यूनियन कार्बाइड की, जो फैक्ट्री अभी भी कंटामिनेटेड है उसको अब तक क्लियर नहीं किया गया, और शायद किसी कोर्ट से ऑर्डर भी आया था कंटामिनेशन क्लियर करने के लिए, मगर यूनियन कार्बाइड ने अबाइड नहीं किया उस चीज पर। तो आपको क्या लगता है, अब यूनियन कार्बाइड को बिल्कुल तरह से इम्यूनिटी हासिल कर चुकी है, किसी चीज इस पर डिपेंड दिखाई नहीं थी, गवर्नमेंट की एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारा कंटामिनेशन हटाए? नहीं, देखिए बात बहुत साफ है, और जो नया मैनेजमेंट है डाउ केमिकल यूएसए, उसको ये काम करना है, उसने ये काम नहीं किया। बहुत शर्मनाक है, और इन्वायरमेंटल डैमेज का मामला अगर अभी किसी पश्चिमी मुल्क में होता, अभी अमेरिका और यूरोप में कहीं किसी फैक्ट्री ने किया होता, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में ब्रिटिश पेट्रोलियम का हुआ, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने किया था, कितना बड़ा हर्जाना आपको देना पड़ा। करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर में कंटामिनेशन है, वो फैक्ट्री आराम से यहाँ से चली गई है नौसी लेकर, और हमने कुछ नहीं किया उसको। तो ये बताता है किस तरह से हम मल्टीनेशनल के पैरों में गिरे हुए हैं। तो जो कंटामिनेशन है उसका अभी भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको लग रहा है, मतलब अभी भी लोग उसकी तरफ से रेडिएशन से सफ़र हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग 100% हो रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर जहाँ भी हैंडपम्प लगाए हैं, ट्यूबवेल से सप्लाई है, वहाँ जहरीला पानी आता है, और उससे जो भी वहाँ पॉपुलेशन रहती है वो इफेक्टेड हो रही है। उसके बाद गवर्नमेंट के जो कुछ भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, हॉस्पिटल्स वगैरह, उनकी किस तरह से हालत है, आप थोड़ा सा बताइए। अब हालत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट 12-13 डायरेक्शन दे चुका है, ऑर्डर कर चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों का मेडिकल कार्ड बनाया, उन्होंने कहा इलाज को पूरा बनाया जाए, ठीक किया जाए, उन्होंने बार बार तमाम चीज़ें कही, लेकिन उस सब के बावजूद अगर आप ये देखें कि आज 1998 से हम सुप्रीम कोर्ट में, 1998 से अब तक वो मामले का आखिर नहीं हुआ, मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जो मतलब हेल्थ फैसिलिटी भी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई विक्टिम्स को, कते नहीं। आप जैसे बता रहे थे कंपनसेशन का ही मसला, तो मतलब बिल्कुल थोड़ा सा खैरात के मामले में दिया जा रहा था, तो उसको अब बढ़ाने के लिए वगैरह कुछ आपने कुछ कोशिश की? नहीं, हमारा तो मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 5 टाइम कंपनसेशन का। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 दिसंबर 2010 को एक कैरेटिव पिटीशन दाखिल किया था, वो चल रही है, उसमें भी हमने इंटरव्यू किया हुआ है। कुल मिलाकर जो भी कंपनसेशन या जो भी चीज़ें लाइव हैं वो उस संस्था के कारण। तो आपको उम्मीद है कि कंपनसेशन बढ़ सकता है और फाइनली रीच होगा विक्टिम्स को? देखिए, उम्मीद करना तो बेकार सी बात है, कुल मिलाकर इतना हम कह सकते हैं कि बेइंसाफी जब तक हमें दिखाई दे रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते नहीं, यही हम यहाँ स्थापित करना चाहते हैं भोपाल के लोगों के लिए। आपको क्यों लगता है सर कि इतनी बड़ी वर्स्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, फिर भी गवर्नमेंट का इस तरीके से रवैया क्यों रहा, ना इंसाफ दिलाने में, ना हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, ना ही कंपनसेशन में, इस तरह से दोहरी दर्दी? मैंने पहले ही कहा जैसे आपसे कि कुल मिलाकर जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है, MNC है, उनको ये MNC को ये बताना चाहते हैं कि
भोपाल जितना बड़ा डिजास्टर तो कोई कर नहीं सकता, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ हमने उसका कुछ नहीं किया, आपका भी कुछ नहीं हुआ, आओ इन्वेस्ट करो, यहाँ कारखाना लगाओ। अभी आपको मैं बताऊं कि जो यूपीए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था कि ग्राम पंचायत को ये अधिकार दे दिया था कि ग्राम पंचायत जो है वो एनओसी देगी किसी गांव के पास कोई इंडस्ट्री लग रहा है तो गांव के एरिया में, वो मोदी सरकार उसको रिफ्यूज करने वाली है, वो अमेंडमेंट ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया हुआ। तो आपके हिसाब से जो डिजास्टर हुआ दो केमिकल्स की तो बहुत सारी थ्योरियाँ हैं जो वो लोग बताते हैं एक्ट ऑफ गॉड है, पानी उस केमिकल में आ गया तो हो गया, मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऐसा बताना चाहते। तो आपके हिसाब से अगर किसी तरह से किसी भी तरफ से मिस्टेक हुई हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी पे भी जाती है और सरकारों पे भी जाती है, जिनके पास तमाम एजेंसियाँ हैं जो इन बातों की निगरानी कर रही हैं, नहीं की, वो यूनियन ऑफ इंडिया पे भी जाती है जिससे सेटलमेंट किया यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के साथ 15 फरवरी 1989 और सारी जवाबदेही खुद ली, उन सब के ऊपर जाती है। और होना तो ये चाहिए कि हम उससे सबक लेते हैं, सबक लेने का मतलब और कोई कारखाना कार्बाइड जैसा इस देश में ना लगने पाए, ऐसी हमारी स्थिति नहीं थी। अभी आप देखें गोवा से बंगाल तक कोस्टल इलाका जितना है उसमें थाउजेंड्स फैक्ट्री हो गई है केमिकल्स, तो जो बताती है कि अब थाउजेंड भोपाल इन इंडिया हम जो कह रहे हैं। कुल मिलाकर हमने जो अपने इन्वायरमेंट को लेकर लोगों के जो हेल्थ और लोगों की जो जान है उसको लेकर कोई सबक नहीं सीखा। सर आप जो इन तीन दहों से आप जो लड़ रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, मल्टी नेशनल कंपनी के खिलाफ, भोपाल में हर कोई आपका नाम जानता है, किसी भी ऑटो वाले को कह दो तो आपके ऑफिस को लाकर छोड़ देगा, डू यू थिंक आपको जितनी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी, जो फॉरेन मीडिया पे जो एनजीओस रही उन वही सारा नाम लेके गए? अरे देखिए कुल मिलाकर जिनके बीच में आप काम करते हैं उनका यकीन आप पर बना रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, अब वो मेरे साथ है। कोई अवार्ड वगैरह मायने नहीं रखता, काम मायने नहीं रखता, काम यकीन मायने नहीं रखता, लोगों का विक्टिम्स का फेथ विश्वास जो मेरे साथ है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग।